बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर को मी टू मामले में बड़ी राहत मिली है, जिन पर बीते दिनों ही तनुश्री दत्ता ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। नाना पाटेकर पर आरोप लगने के बाद हर कोई शॉक्ड रह गया, लेकिन अब नाना पाटेकर पर लगाए गए आरोप खारिज हो गए हैं। दरअसल पुलिस को इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला है, तो उन्होंने नाना पाटेकर को क्लीन चिट दे दी। नाना पाटेकर को मिली इस राहत से तनुश्री दत्ता फिर से आग बबूला हो गई है। तनुश्री इस खबर को जानने के बाद नाना पाटेकर और मुंबई पुलिस पर गुस्सा करने से नहीं चुकी। उन्होंने मुंबई पुलिस पर भ्रष्ट होने का एलिगेशन लगाया। उनका कहना है कि उनके गवाहों को शांत करवा दिया गया है और उनकी जगह पर झूठे गवाह लाए गए, ताकि ये केस और भी कमजोर बन जाए। तनुश्री का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में जानबूझकर ये सब किया है, वो नाना का साथ दे रहे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस काफी वक्त से काम कर रही थी, लेकिन तनुश्री के आरोपों के संबंध में नाना के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिल पाने की वजह से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चार्जशीट को स्वीकार करता है या दोबारा इस मामले की जांच का आदेश देता है। वेल, बॉलीवुड की ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बॉलीवुड हेडलाइंस को, बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि बॉलीवुड की ऐसी ही लेटेस्ट खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचे।